भैया कितने का है? बढ़िया आ रही है भाई। फिलहाल तो दूध लेकर आ रहे हैं हम घर पे, जा रहे हैं, ले लिया है दूध, ये रहा। और वो जो दुकान में बंदा था ना, वो भी बहुत सेफ्टी रखता है अपनी दुकान पे। और अभी आपने जैसे देखा, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मेंटेन की हुई है। बहुत तेज इस वक्त बारिश आ रही है, ये देखो बारिश ही बारिश है हर तरफ। क्या मस्त मौसम हो रहा है, मज़ेदार मौसम यार। वेदर बहुत अच्छा हो गया यार, मज़ा आ गया। अभी एक्सरसाइज करने के लिए आया था, लेकिन अब क्या करें, बारिश रुकने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। फाइनली बारिश रुक चुकी है और अभी दोपहर के 1 बज रहा है। सुबह बारिश आ रही थी सुबह भी, क्योंकि सुबह 6 बजे के करीब मैं उठा, 6:30 के आसपास, तब भी बारिश आ रही थी तेज़। तो उस चक्कर में एक्सरसाइज हो नहीं पाई। तो अब हम उतरे हैं मैदान में एक्सरसाइज करने के लिए, देखते हैं, करते हैं ज़रा, फिर मिलते हैं आपसे। बारिश फिर से आ चुकी है, बहुत तेज एकदम ही आई है, तूफानी बारिश। ये देखो, दिख रहा होगा आपको बूंदे। अब लग रहा है फिर से खड़ा होना पड़ेगा यार थोड़ी देर, लगता है आज बारिश एक्सरसाइज करने देगी नहीं। फिलहाल तो मैं छत पे आ चुका हूँ। और मेरे को एक बार बताओ यार, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सो रहे हो आराम से, थोड़ा आपने सोचा कि आराम कर लिया जाए और आप लेटे हुए हो, एकदम आपकी बॉडी में करंट दौड़ा कि नहीं कुछ काम करना है, कुछ काम करना है, नींद गायब हो गई एकदम ही? अभी हुआ है मेरे साथ, बहुत हुआ है, आज कल परसों नहीं रोज। क्योंकि क्या होता है, कई बार मैं सोचता हूँ कि यार अभी कंटेंट नहीं है, यहाँ कुछ मतलब वीडियो बनाने का, शूट करने का मन नहीं कर रहा, तो एकदम ही करंट बॉडी में दौड़ता है, नहीं यार क्यों नहीं करना, करना है, लेकिन यार कुछ भी करना है, उसके लिए तो दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाता है और व्लॉग हमारा बन जाता है। बस क्या करें, आप लोग की वजह से शायद ये एनर्जी हमें मिलती है। बहुत अच्छी हवा चल रही है फिलहाल, ऊपर मौसम इतना तगड़ा हो रहा है, मस्त हो रहा है एकदम, दिल्ली का मौसम मज़ेदार, बस क्या बताएं। और एक्सरसाइज नहीं हो पाई बस बारिश के चक्कर में। एक बात हो रहा है, क्योंकि उसमें क्या है, कल की मैंने वीडियो में दिखाया था आपको कि कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्या नहीं है। अब अभी भी अगर आपको लगता है कि कैमरा लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी अच्छी क्लैरिटी क्वालिटी आपको मिल रही है, और मेरे को नहीं लगता कि माइक की भी मुझे अभी फ़िलहाल ज़रूरत है, क्योंकि मेरा फ़ोन का माइक जो माइक है, माइक्रोफोन है सॉरी, उसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन ऑटोमेटिक है और मेरी आवाज़ बहुत अच्छी आती है। और आप बताओ अगर अच्छी आती है तो, क्योंकि मेरे को अभी ज़रूरत लगती नहीं है कि माइक लेने की, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही है अभी और मेरे को लग नहीं रहा कि हवा विंड की भी अभी नॉइज़ आ रही होगी। ये हमेशा शोर मचाता है ब्लॉक के टाइम पे, चुप नहीं होता, हमेशा हमेशा शोर मचाता है। बहुत लोगों की शादियां भी थी इस अप्रैल के दिन, और आज के दिन तो मेरे खुद के भैया की शादी थी यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबकी शादियाँ टली हैं,
दो सबको दूसरा मौका मिला सोचने का। कल की ब्लॉग से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इतनी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा लो या ना लो, क्योंकि देखो नॉर्मल एक फ़ोन है मेरा, अच्छी क्वालिटी का कैमरा है तो काम हमारा चल रहा है। और फिलहाल देखो जब तक काम चलता है उतना काम चलाओ, क्योंकि देखो मैं भी कितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको पता नहीं है। फ़ोन जितनी भी रेसिपी अभी दिखाई है ना आपको पिछले ब्लॉग्स के अंदर, फ़ोन इतना गर्म हो गया था मेरा, इतना गर्म हो गया था ऐसा लग रहा था अभी फट जाएगा यार, गैस के ऊपर ही रखा हुआ था पूरा, ऐसा लग रहा था मतलब क्या हो गया मेरे फ़ोन को। लेकिन अब क्या है ना, इसी की मेहनत कहते हैं, अगर इस चीज़ को आप लाइटली लोगे तो फिर फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। और यही सेम फ़ोन मेरी बुआ जी के पास भी है, और मेरी बुआ जी के फ़ोन ने थोड़ा जवाब दे दिया था कैमरे को लेकर के, लेकिन मेरा फ़ोन बेचारा अभी तक मेरा साथ दे रहा है पूरा पूरा। और मैं तो खुशकिस्मत मानता हूँ अपने आप को, कितना अच्छा फ़ोन मेरा साथ दे रहा है, वरना इतनी गर्मी झेल के गैस के ऊपर रेसिपी बनाना, भाई मेरे को तो लगता है फ़ोन जवाब दे जाते होंगे और ओके। और अगर कुछ लोगों को टाइम पास करना है तो वो ये अपने घर पे अगर आपके पास है तो ये यूज़ करो, वो घुमाते रहो पूरा दिन, आपका टाइम पास अच्छा होगा। और इससे भी बढ़िया अगर कुछ करना है तो व्लॉग करो यार, टाइम पास अच्छा होता है और व्लॉग भी बन जाता है, कंटेंट भी बन जाता है। और हर एक बंदे को देखो झिझक होती है कि कैमरा फेस नहीं कर पाता, लेकिन कैमरा फेस करने के लिए ना, कैमरा फेस करने के लिए मुँह अच्छा होना चाहिए, जो कि मेरा है, मजाक कर रहा था बुरा मत मानना। लेकिन कैमरा फेस करने के लिए ऐसी चीज़ है कि कुछ लोग क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, अब जैसा कि मेरा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं अपनी ही शक्ल फ़ोन की स्क्रीन पे देखते हैं, वो कैमरे की ओर नहीं देखते। तो कैमरा की ओर देखो, क्योंकि जिससे अगर आपका आई कॉन्टैक्ट नहीं होगा पब्लिक से तो कहीं ना कहीं वो भी एक नेगेटिविटी है आपके व्लॉग के लिए, क्योंकि आई कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा लगता है कि आप रियल यार रियल लाइफ जी रहे हो, आप अपने मतलब पब्लिक से बात कर रहे हो। अब अगर आपका आई कांटेक्ट होगा सिर्फ आप ही से, आप अपने फ़ोन की शक्ल देखोगे, अपने आप को फ़ोन में देखोगे, तो फिर फ़ायदा नहीं है, वो भी एक नेगेटिविटी का हिस्सा है। अच्छा एक चीज़ सबसे मेन टॉपिक मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग बाहर जाते हो, स्ट्रीट में कहीं जाते हो, पब्लिक के आसपास जाते हो, और आप कहीं बाहर हो, सड़क पे हो, कैमरा उठाते हो और व्लॉगिंग करना चालू करते हो, तो एक झिझक होती है या शर्म सी कह लो उसको, शर्म आती है आपको कि हाँ भी व्लॉग कैसे करें या बोलने में आपको शर्म आती है। तो यार सबसे मेन टॉपिक तो यही होता है, सबसे मेन थिंग कि आप व्लॉगिंग में किसी कोई चीज़ को लेना देना नहीं होना चाहिए, कौन है क्या नहीं है, आप अपना काम कर रहे हो, ये आपके एक काम का हिस्सा है। आप अगर इस चीज़ को देखना है तो पहला व्लॉग, सबसे पहला व्लॉग मेरा आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या किया था, कंप्यूटर शॉप का एक व्लॉग बनाया था, जनकपुरी में शॉप थी वो, तो वहाँ सबसे पहला मेरा जो व्लॉग था वहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा झिझक थी, मैं बोल भी नहीं पा रहा था, अलग से रिकॉर्डिंग करी थी मैंने अपनी ऑडियो की, और बाकी रिकॉर्डिंग मैंने थोड़ा बहुत उसकी दुकान पे बोला था, लेकिन मैं बहुत शर्मा रहा था उस वक्त, पहली बार का वो था व्लॉग मेरा, फर्स्ट व्लॉग था। और उस वो वीडियो को आप अगर देखोगे और इस वीडियो को देखोगे मेरी, तो आपको बहुत चेंजेस नज़र आएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है यूट्यूब पे, आपको कुछ पाने के लिए, कुछ कहते हैं ना मतलब कुछ पाने के लिए थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, तो वही चीज़ करनी पड़ती है आप सबको। तो बस इतना कहना चाहूँगा मैं इस व्लॉग में, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरी बातें सुनी और मुझे इतना समझा इस लायक कि आप मेरी वीडियो पूरी देख रहे हो, तो इसके लिए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और ये बात मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, तो प्लीज़ इतनी रिक्वेस्ट मेरी मान लीजिए। ओके टाटा बाय बाय।